के चीफ जस्टिस हाईकोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम ओहदा संभालने के बाद 25 फरवरी को जनूबी पंजाब जाएंगे। जनूबी पंजाब के दौरे की तफसील बता रहे हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ। मलिक अशरफ बताइएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने जनूबी पंजाब का दौरा करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस 25 फरवरी से लेकर 4 रोजा दौरा करेंगे और इस दौरान वो मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान जाएंगे। वहां पे वो बार एसोसिएशन से खिताब भी करेंगे और बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर अपनी पॉलिसी भी वजह करेंगे। जरा का ये कहना है कि चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान वहां के जुडिशियल अफसरों से और हाईकोर्ट के जजेस से भी मुलाकात करेंगे और वहां पे जेर अल्तवा मुकदमात को बरवक्त निपटाने के हवाले से हदायात भी जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पहली मरतबा अपना ओहदा संभालने के बाद वहां पे जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनका आबाई इलाके में जाना उनके लिए वैसे खुशी है और उनका मजीद ये भी कहना था कि वहां के लोग जो हैं उन्हें बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से तमाम तर इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे ताकि लोगों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी हो सके। लोगों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए जा सके। ठीक है मलिक अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे।